सरकार इशू पे बात नहीं करती, सरकार उनकी भावनाओं पे खेलती है, चाहे वो जातीय भावना है, चाहे वो धर्म की भावना है, क्षेत्र की भावना है, उनकी भावनाओं से खेल के वोट लेते हैं। आप कह रहे 80 करोड़ लोगों को हम दाल आटा बांटते हैं, तो खुद आप मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोग जो है आपके आटे दाल पे निर्भर है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा ना दिया जाए तो भूख से मर जाएंगे, तो कितनी भयावह स्थिति है। हमारी फसलों को तो बाजार में लूटा जा रहा है, लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के सत्ता ऊपर चढ़ा, एक स्वाभिमानी समाज को भिखारी बना दिया। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर में। जिस तरीके से किसानों का मुद्दा जो है उठता रहा है, किसानों ने प्रदर्शन भी करे हैं, लेकिन आज एक और प्रदर्शन है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है इसी चीज़ पे बात करने के लिए, जो किसानों के साथ जो भाजपा सरकार है उनका साथ नहीं दे रही है, लेकिन वही भाजपा सरकार कहती है कि हमने 2014 के बाद किसानों के लिए ही काम करा है। इसमें इनका क्या मानना है, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या भाजपा सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही है? किसान को बिल्कुल, ये सरकार, वैसे तो किसान 70 साल से उत्पीड़न किसान का निरंतर जारी है, लेकिन पिछले 10 साल सबसे भयावह रहे हैं। किसान को प्रचारित तो बहुत किया जाता है, सरकार तो किसान के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन कोई ऐसी इस तरह की नीति नहीं बन रही है जिससे किसानों की मूल समस्याओं का समाधान होता नजर आता है। हमारी जो मुख्य मांग कि हमारी फसलों का लागत पे लाभकारी मूल्य मिले, कोई भी पेशा करता कोई भी काम है, अगर उसमें लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे वो काम डूबने वाला है, वो घाटे में जाने वाला है। और किसान बहुत छोटी इकाई है देश में, मतलब यहाँ कोई अमेरिका और यूरोप की तरह से हजारों और सैकड़ों हेक्टेयर के किसान नहीं है। यहाँ 85% किसान जो है वो 2 हेक्टेयर से कम का किसान है, तो वो इतनी उसकी आर्थिक स्थिति हैंड टू माउथ रहती है। अगर उसको उसकी फसल पे लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे जिंदा रहेगा। और ये मांग हमारी आंदोलन के समय भी थी, जब हम 2020 में आंदोलन कर रहे थे, ये मांग हमारी आज भी है। सरकार ने हमें आश्वस्त किया था और एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी आज साल भर से ज़्यादा हो गया, तो जैसे पहले कमेटियां बनती रही हैं वही एक आईवाश करने के लिए कमेटी बनी। वो जहाँ बनी थी वहीं खड़ी है, तो किसान को कब तक इंतजार कराएंगे? पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसानों ने कर्जे की वजह से आत्महत्याएं की। एक सर्वे महाराष्ट्र में हुआ, एक कमिश्नर थे, उन्होंने सर्वे कराया और उनके सर्वे रिपोर्ट में ये है कि 60% किसान जो ऐसे हैं जिनके मन में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पनप रही है, तो सरकार उसको भी सीरियस नहीं लेती है कि कितनी भयावह स्थिति है, किस कहाँ पहुँच गया किसान। इस बात को सीरियस जब तक नहीं लिया जाएगा, लागत पे लाभकारी मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, खेती घाटे का सौदा रहेगी, तो ये आत्महत्याएं बढ़ेंगी और जो किसान इस परिवर्ति से अटके हैं वो एक आंदोलन का रूप खड़ा होगा। देश में दो धाराएं हैं, दो धाराओं के लोग होते हैं, एक लड़के मरते हैं, एक आत्महत्या करके मरते हैं। तो टोटल किसान या तो आत्महत्या की तरफ सोच रहा है या लड़ने की तरफ सोच रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट आया था, उसमें वो कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी जाति जो है वो किसान को मानते हैं, लेकिन वही किसान फिर आंदोलन पे क्यों बैठे हुए हैं? नहीं सर, बेसिक क्या है कि सरकार देश की विडंबना,
इस राजनीति का जो सिस्टम डेवलप किया गया आज़ादी के बाद, इस समाज को जाति और संप्रदाय में विभाजित करके ये वोट बटोरते हैं। जब जब चुनाव आता है तो उनकी भावनाओं से खेलते हैं, उनको कोई धर्म दिखाते हैं, कई जातियां दिखाते हैं, और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी जातीय समीकरण क्षेत्र के देख के किया जाता है। आदमी के चरित्र को देख के यहाँ कोई नेता नहीं चुना जाता, और इसी प्रवृत्ति की वजह से जो गंध था वो राजनीति में आ गया। जिनका कोई विजन नहीं है, जो सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, जो देश के प्रति और समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जिनका उद्देश्य है कि पैसा इन्वेस्ट करके टिकट लो, पैसा इन्वेस्ट करके चुनाव जीतो और फिर जीतने के बाद उसको ब्याज समेत वसूल करो, तो ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गई। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो जो सरकार है वो राजनीति करती है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है। सरकार इशू पे बात नहीं करती, सरकार उनकी भावनाओं पे खेलती है, चाहे वो जातीय भावना है, चाहे वो धर्म की भावना है, क्षेत्र की भावना है, उनकी भावनाओं से खेल के वोट लेते हैं और मूर्ख बनाते हैं किसी से, और सत्ता हाथ लगने के बाद जो पूंजीपति इनको इस काम में सहायक है, जो इन्वेस्ट करता है पैसा, उसके कई अनुसार नीतियां बनती हैं। अब दो में से एक बचेगा, या तो शोषक समाज को बचा लो, शोषित समाज को, या शोषक को बचा लो। तो यहाँ शोषक को बचाया जा रहा है, उनको वो फल फूल। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, भाजपा सरकार कहती है कि 2014 के बाद हम लोगों ने किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम करा है, योजनाएं भी वही लेके आए हैं, वो कह रहे हैं। कोई योजना नहीं है, आप देख रहे हैं, एक वो 5 किलो दाल आटा, वो एक सब वोट बटोरने का एक है। हम मेहनत कश लोग हैं, 18 घंटे काम करते हैं। आप कह रहे 80 करोड़ लोगों को हम दाल आटा बांटते हैं, तो खुद आप मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोग जो हैं आपके आटे दाल पे निर्भर हैं, तो ये दर्शाता है 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा ना दिया जाए तो भूख से मर जाएंगे, तो कितनी भयावह स्थिति है। यानी कि आपने उनको इतना नीचे ले जा के खड़ा कर दिया है कि वो आपके 5 किलो दाल और आटे पे अपनी कीमती वोट का समर्पण आपको कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का सतर तो अपने आप सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि समाज की स्थिति क्या। 80 करोड़ आदमी भूखा, इन पे किसान को 2000 रुपये देते हैं, साल में 3 किस्तों में देते हैं। जब भी कोई चुनाव आता 1-2 हज़ार की किस्त जारी कर दी जाती है। किसान को भाव चाहिए, किसान को 2000 रुपये में उसका गुजारा नहीं होने वाला, उसकी फसलों के भाव से उसका गुजारा होगा। हम किसान संगठनों की तरफ से लिख के देने को तैयार हैं, हमने बहुत दफ़े कहा है हमको ये अनुदान नहीं चाहिए। हम भिखारी नहीं है, हम स्वाभिमानी है, हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हमको हमारी फसलों के मूल्य चाहिए। हमारी फसलों को तो बाजार में लूटा जा रहा है, एक एक फसल पे हम 50-50 हज़ार रुपये का साल में घाटा खा रहे हैं, और 6 हज़ार रुपये साल में हमको दे के ये कहा जा रहा है भाई देखो हम आपकी मदद कर रहे हैं। अरे आप 50 हज़ार मेरे खा गए, ये 6 भी मेरे 50 में से काट लो, 44 तो मेरे मुझे दे दो जो आप खा गए। तो ये सब आयुवाश है, सब ये लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के सत्ता ऊपर चढ़ा। लेकिन वही देखा जाए ना कि अगर किसान खेती करना ही छोड़ देगा तो फिर लोगों के पास सब्जियां कहाँ से आएंगी, दाल कहाँ से आएंगी। वही है, वो कह रहे हैं कि वो लोग हमारे राशन पर डिपेंड है जो उनको दिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक की तो गलत बात हुई ना। देखिए किसान, मैंने बताया ना, एक स्वाभिमानी समाज को भिखारी बना दिया। और ये देखो किसान ने क्या, आप कोविड का दौर था,
कोविड के दौर में देश के मंदिर भी बंद हो गए थे। धर्म के ठेकेदार मंदिरों को ताला लगा के मौत के डर से भाग गए थे। उस दौर में सब चीज़ें नीचे गई। अगर कुछ बढ़ा था तो खेती का उत्पादन बढ़ा था। किसान ने आपकी अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने खेत में पहले से ज़्यादा मेहनत की थी और पहले से ज़्यादा उत्पादन करके दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि किसान के भरोसे इस देश की भूख मिटती है। इस देश की सबसे जो मूलभूत आवश्यकता है वो भोजन है, वो उस किसान की अथक मेहनत से, दिन रात की मेहनत से, और उसको आप जिंदा नहीं रखना चाहते। उसको आप उसकी लागत, उसकी उसके पेशे को घाटे में पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो कैसे देश बचेगा और कैसे देश चलेगा? कब तक किसान आपका सहयोग करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप लोगों ने किस तरीके से इन्होंने बताया है कि कोविड में जहाँ लोग अंदर थे वहाँ पे अत्यधिक उत्पादन किया गया था, अत्यधिक खेती की गई थी। जिस तरीके से किसान अगर खेती करता है तो लोगों की भूख मिटाता है, क्योंकि अगर इंसान खेती ही नहीं करेगा तो कहाँ से आएगी सब्जियाँ और दाल? इनका वही मानना है कि जो इनको जो खेती करते हैं उसका उच्चतम मूल्य दिया जाए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। इनका आंदोलन अभी जारी है। धन्यवाद।